हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12th एचएससी कॉमर्स को मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट। तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फाइनली जो हमारा चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन है उसका हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, देखो आप लोग को भले ही जो वीडियो है उसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा दिखता है, यानी कि बहुत बड़ा दिखता है, बड़ा लगता है, बट आपको जैसे कि पता है कि मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाने को ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, तो डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे लास्ट जो वीडियो अपलोड हुआ था, आपको पता ना हो तो मैं मैथ्स 2 भी पढ़ाती हूँ, उसमें हमने टाइम सीरीज तक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। मतलब मैथ्स 2 के 4 चैप्टर्स ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। तो मैं बस आपसे 2-3 बातें जानना चाहती थी। नंबर 1, आपको नोट्स वगैरह मिलते हैं गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के ऐप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैंने ना लीनियर रिग्रेशन का पूरा चैप्टर का नोट्स दिया है और मैं मेट्राइसिस का भी देने वाली हूँ, फिर टाइम सीरीज का भी दूंगी। ये चैप्टर जैसे खत्म हो जाता है ना तो इसका पूरा पीडीएफ है ना, मैं ना गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का ऐप इंस्टॉल कर दो। और एक बात कि मैं आपसे राय जानना चाहती हूँ कि क्या मुझे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है या कॉलेज सेक्शन के लिए क्या मुझे नया चैनल बनाना चाहिए। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि मुझे यही चैनल रखना चाहिए, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा सजेशन दो यार, हेल्प करो मेरी। तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर, अच्छा आपको नहीं पता हो तो 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने इतना खतरनाक बेसिक देखा है ना, मतलब हमने बेसिक से समझा, क्योंकि इसका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तो इधर फिर आप लोग रो जाओगे, मतलब रोने लग जाओगे, अरे क्या चैप्टर है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालते तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। तो हाँ, ये हमारे 11th स्टैंडर्ड में था। तो ये मैंने 11th स्टैंडर्ड का जो पेज है ना वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और ये अपने अपने ये जो 12th स्टैंडर्ड के बुक का जो पेज है ना उसको पेस्ट किया, बट दोनों एक्चुअली में सेम ही है तो टेंशन मत लेना। तो 11th ये हमने देखा था कि जो स्टैंडर्ड जो हमारे फंक्शन होते हैं उसका डेरिवेटिव क्या होता है, बहुत डिटेल में समझा था, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन बोलते हैं, प्लीज ध्यान से सुनो इसको, क्योंकि अभी कनेक्शन है कुछ तो 3.1 में। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, अगर मान लो कोई ऐसा फंक्शन है जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3 लिखा है, तो ये जो एक्स रेस टू 3 है वो स्टैंडर्ड फंक्शन है। y, इसको स्टैंडर्ड फंक्शन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये एक्स रेस टू एन के फॉर्म में, यस और नो, ये एक्स रेस टू एन के फॉर्म में है कि नहीं, हाँ है, तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हमने निकालना सीखा था। वैसे ही अगर मान लो y इज इक्वल टू log x है, तो ये देखो log x भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव होता है 1/x, ऐसे। तो ये जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं उसका डेरिवेटिव निकालना हम लोग ने सीखा ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में। और मैं अगर बोलू ना जो स्टैंडर्ड फंक्शन जो मेन है वो ये ऐसे है, जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं वो ऐसे होते हैं, एक्स रेस टू एन के फॉर्म में होते हैं, दूसरे लॉग एक्स के फॉर्म में होते हैं, एंड तीसरा होता है हमारा एक्सपोनेंशियल, ई रेस टू एक्स या फिर ए रेस टू एक्स। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका हमने डेरिवेटिव, यानी कि इनका डेरिवेटिव निकालना सीखा, ठीक है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, तो इनका हमने डेरिवेटिव निकालना सीखा था, आपको तो पता ही होगा, सब अच्छे से याद होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका क्या होता है, क्या होता है और इसका क्या होता है, वो सब सीखा था। अभी हमको क्या करना है बताती हूँ। और ये जो हमारा चैप्टर है इसमें टोटल 6 प्रैक्टिस सेट है, 6 एक्सरसाइज है, और सबसे पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं 3.1 में। तो 3.1 में हम लोग किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, देखो फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकाला जाता है, अभी जो फंक्शन है वो बदलेंगे। जैसे अभी हमारा 3.1 है उसमें हम लोग कंपोजिट फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। उसके बाद आएगा तो 3.2 में इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, कि यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि हम लोग है ना पता नहीं, मतलब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उनको पता नहीं चलता है कि ये कौन सा आया है, कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट है कि इनवर्स है कि लॉगरिथमिक है कि इम्प्लिसिट है कि पैरामेट्रिक है, ऐसा। तो फिर है ना आइडेंटिफाई करना हमारा पहला स्टेप होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया है
कौन सा फंक्शन आया है, तो उस हिसाब से हम एक्टिंग करेंगे, लाइक उस हिसाब से हम एक्ट करके उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये पहचानना हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, क्योंकि तो अभी तक तो आगे जाके और फंक्शंस आएंगे और तब हमारा कंफ्यूजन चालू होगा, लेकिन फिलहाल अभी आते हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि एक कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। बट व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन यार? कंपोजिट फंक्शन मतलब वो फंक्शन जो दो या दो से ज्यादा फंक्शन है उनको मिलके बनाए। कंपोजिट मतलब कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब मिक्सचर, मिक्सचर मिक्स्ड, ओके। तो ऐसा कुछ, यानी कि कंपोजिट फंक्शन मतलब दो या दो से ज्यादा फंक्शन को मिक्स करके जो बना है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, और उसका डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। अभी जैसे जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन थे, ये अगर तुम लोग देखोगे तो ये बहुत सिंपल है, सिंपल एकदम सिंपल है, इनमें कोई कंपोजिशन नहीं है, इनमें कोई मिक्सचर नहीं है, ओके, इसमें कुछ मिक्स नहीं हुआ है। पर अभी जो आएगा ना 3.1 में, देखना मिक्स कंपोजिट कंपोजिशन होगा उसमें, ठीक है। ये देखो log x e रेस टू x a रेस टू x, तो सच बोलू कंपोजिट फंक्शन में क्या होगा, ये जो तुम लोगों को x दिख रहा है ना, ध्यान से सुनना, मेन मुद्दा क्या है, ये जो x दिख रहा है ना, इस x के जगह पे कुछ और होगा, और होगा मतलब कि दो तीन फंक्शन और मिला के बनेगा। ये x के जगह पे कुछ और होगा, इधर जो x है ना इसके जगह पे कुछ और होगा, ये जो x है ना इसके जगह पे कुछ और होगा, ये जो x है ना उसके जगह पे कुछ और होगा। और होगा मीन्स क्या होगा, बताती हूँ, देखो ध्यान से सुनो। पहले तो है ना आइडेंटिफाई करना सीख लो, क्योंकि आप लोग को है ना पहले समझ में नहीं आता है कि हम लोग करें तो, देखो डायरेक्ट टीचर, कोई टीचर मतलब कोई क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते पढ़ाना, बट ऐसा नहीं करूंगी मैं, आपको रियलिटी में बताऊंगी कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है पहले, उसके बाद हम लोग सीख लेंगे। यार डेरिवेटिव निकालने का तो बायात का खेल है, ऐसे दो मिनट का काम है, लेकिन पहले समझो तो कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, क्योंकि 3.1 इज ऑल अबाउट कंपोजिट फंक्शन। समझोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। जैसे स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, एक्स रेस टू एन हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसके बाद जो लॉग एक्स है वो भी स्टैंडर्ड फंक्शन है, टी रेस टू एक्स भी स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसके बाद ए रेस टू एक्स भी स्टैंडर्ड फंक्शन है। इसको एक्स रेस टू एन हमारा एक फंक्शन है, फिर लॉग एक्स को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं जैसे कि, और ये दोनों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, बराबर। भी ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा गौर करो, इधर गौर, गौर मतलब कि गौर से देखो, इधर मैंने क्या बोला था कि कंपोजिट फंक्शन में क्या होगा, कंपोजिशन मतलब कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन मिलके बनता है ना, तो यहाँ पे एक्स के जगह पे कुछ और होगा, x के जगह पे क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा फंक्शंस होंगे। जैसे ये देखो, पहले नीचे से देखो, ये देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये x के जगह पे इतना बड़ा कुछ लिखा, ये देखो x है, ये पूरा, ये हमारा पूरा x है, और x रेस टू n, n मतलब कोई नंबर होगा, याद आया आपको? हाँ, तो ये देखो x की जगह पे देखो कितने सारे मिले ना, कितने सारे कंपोजिशन हुआ है, फंक्शन का कंपोजिशन हुआ है। तो ये देखो ये पूरा हमारा x का रोल प्ले करेगा, ये पूरा हमारा x का रोल प्ले करेगा, तो x रेस टू n के फॉर्म में तो ये भी है, लेकिन इसमें इसमें फर्क क्या है कि ये स्टैंडर्ड है, इसने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, बट इसमें क्या है, मिक्स है, x के जगह पे कुछ और है। सेम इधर देखो ये वाला भी, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो आप लोग ने है ना अपने बचपन में 8th स्टैंडर्ड में आपने ये रिलेशनशिप सीखा था कि ये जो क्यूब रूट है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ए रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू सॉरी ए रेस टू टू प्लस ए रेस टू टू प्लस एक्स रेस एक्स स्क्वायर है। तो ये जो क्यूब रूट है ना, इस क्यूब रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 के फॉर्म में। वैसे ही आपको ये भी पता होगा कि हम ये स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं, ये जो स्क्वायर रूट है उसको हम लोग पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2। ओके, क्यूब रूट हो गया 1/3, फोर्थ रूट होगा तो 1/4, याद आया कुछ? हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है एक्स रेस टू एन, मैंने क्या बोला यहाँ पे x के जगह पे देखो, ये पूरा x के जगह पे कुछ और नहीं दिख रहा है, ये भी x रेस टू n के फॉर्म में ही है। डिफरेंस क्या है कि इधर x के जगह पे कुछ बहुत कुछ मिक्स है, मिक्सचर है, मिक्सचर। यहाँ पे देखो ये x के जगह पे है, x के जगह पे इतना बड़ा लंबा चौड़ा दो लोग है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे दो लोग है, यहाँ पे दो लोग है, यहाँ पे तीन तीन लोग है, तो ये सब एक ही सिक्के के पहलू है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इससे कनेक्शन है। वी नो दैट की डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n जो होता है, दैट इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, याद होगा आपको, मैंने बेसिक लेक्चर में आपको कराया, तो बोलना मत नहीं याद है। यहाँ पे ये काम तो आएगा, करेगी कैसे, इसको डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक। क्लियर हुआ, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि नहीं, है ना। ये देखो ना, सब तो x रेस टू n के फॉर्म में ही तो है ना, लेकिन डिफरेंस क्या है कि x के जगह पे कुछ और लिखा हुआ है। सिंपल, सिर्फ खाली x नहीं है, x के जगह पे और बहुत है। ये देखो, ये पूरा x के जगह पे इतना कुछ लिखा हुआ है, ये देखो, ये पूरा x रेस टू n, n मतलब पावर में 9 है। तो अभी देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा आराम से चिल रहो
उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, ये पूरा प्रैक्टिस है, 3.1 है, कोशिश करेंगे आज खत्म करें इसको। तो 2 पॉइंट क्वेश्चन नंबर टू में देखो बोला है डीवाई बाई डी एक्स निकालो, मतलब डेरिवेटिव निकालो। ये वाई एक फंक्शन है, वाई एक फंक्शन है, वाई एक फंक्शन है, ये सब देखो लॉगरिदमिक फंक्शन है, बट इसमें कंपोजिशन है क्योंकि यहाँ पे है ना मिक्सचर। जैसे कि लॉग एक्स, अगर एक्स होता, लॉग एक्स अगर सिर्फ है तो ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया, लेकिन मेरा एक्स के जगह पे कुछ और लिखा है। देखो एक्स के जगह पे कुछ और लिखा है, क्या लिखा है, लॉग एक्स लिखा है। ओ माय गॉड, मतलब लॉग के अंदर लॉग एक्स लिखा है। अभी यहाँ पे भी देखो ये पूरा एक्स के जगह पे इतना लंबा चौड़ा सब लिखा है ना, और यहाँ पे देखो ये एक्स के जगह पे ये पूरा लिखा है। तो ये देखो लॉग एक्स, लॉग एक्स, लॉग एक्स के फॉर्म में ही है, बट द थिंग इज एक्स नहीं है, वहां पे एक्स नहीं है, एक पूरा कुछ एक्स के जगह पे कुछ मिक्सचर हुआ है ना, कंपोजिट हुआ है। कंपोजिशन आप लोग ने साइंस में पढ़ा होगा टेंथ में, कंपोजिशन मिक्सचर्स होना ऐसा। अब ये देखो ये सब एक्सपोनेंशियल है, ये देखो e रेस टू x, a रेस टू x, e a रेस टू x, सॉरी ये देखो याद है ना e, मतलब मैंने आपको बताया था e भी एक नंबर है जिसको इलियर नंबर कुछ बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 2.718 समथिंग होती है, इरेशनल नंबर है। तो ये e रेस टू x, इधर भी देखो ये e रेस टू x है, बट x की जगह पे x नहीं है, एक्स के जगह पे पूरा एक चेन बना हुआ है। इधर है ना चेन रूल अप्लाई होता है, ये कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए चेन रूल अप्लाई होता है, पता है, क्योंकि इधर ऐसा चेन की तरह पूरा बना हुआ है, चेन पता है ना चेन। जैसे इधर देखो ये पूरा एक्स के जगह पे एक पूरा ऐसा पूरा एकदम चेन की तरह है ना, चेन रूल से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो e रेस टू x, तो इधर e रेस टू x नहीं है, x के जगह पे एक लंबा चौड़ा चेन बना हुआ है। वैसे ये a रेस टू x है, लेकिन इधर x नहीं है, इधर क्या है 1 प्लस log x है, कुछ अलग है। इस भी देखो ये a का रोल निभाएगा क्योंकि a कोई नंबर होता है, ऑलवेज रिमेंबर a इज नंबर ग्रेटर देन 1। तो ये phi है, a रेस टू x के फॉर्म में है ये, और ये x का रोल ये प्ले कर रहा है। तो समझा, ये सब हमारे दिखने में कैसे है, x रेस टू n के फॉर्म में है, ये सब हमारे log x के फॉर्म में है, और ये सब हमारे e रेस टू x एंड a रेस टू x के फॉर्म में। बस इधर तुम लोग देखोगे तो x के जगह पे कुछ अलग चेन जैसा बना हुआ है, इधर भी x के जगह पे कुछ चेन जैसा बना हुआ है, और n के जगह, सॉरी n नहीं, x के जगह पे इधर भी चेन जैसा बना हुआ है। इनको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, और इनको हम सॉल्व करते हैं चेन रूल से। ठीक है, समझ में आ गया। तो चेन रूल क्या है, इनको सॉल्व करने का एक मेथड है। तो मैंने तो साइंस लिया था, आपको शायद ना पता हो तो, हाँ, बट इतना खुश नहीं होना है, साइंस लेके मेरी जो वाट लगी थी ना वो मैं ही जानती हूँ कि बहुत ही मुश्किल हुआ था मुझे पढ़ाई करने में। बट मैं एक बात बताऊँ, मैंने जब 11th 12th में पढ़ाई किया था ना, तो चेन रूल तो ठीक है, जिसके दो मेथड है सॉल्व करने के, चेन रूल वाला बहुत बोरिंग लगता था, मैं तो डायरेक्ट ही सॉल्व करती थी। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करती थी, देखो दो मेथड है इसको सॉल्व करने के, मैंने एक सॉल्व एग्जांपल मस्त लिया है, मैं उसको पहले सॉल्व करूंगी, फिर हम एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करेंगे। रेडी हो ना साथ में, वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग को बस एक दो क्वेश्चन मुझे अच्छे से समझाना है, और मुझे पता है कि तुम लोग फोड़ दोगे, सब खुद से ही कर लोगे। पहला है मेथड वन, जिसको हम लोग चेन रूल बोलेंगे, और एक दूसरा मेथड है जो इमेजिनेशन का मेथड है, मैं उसको कुछ नाम नहीं है, मतलब वो डायरेक्ट मेथड है इमेजिनेशन वाला। हाँ, तो चेन रूल करते हैं, मेरे को बहुत बोरिंग लगता है चेन रूल, सच बोलूं तो। मैं तो है ना सारे क्वेश्चन को डायरेक्टली करूंगी। तो पहला मेथड है चेन रूल, वो भी देख लो, क्या पता आप लोग को चेन रूल पसंद आ जाए, है ना। मेरे हिसाब से मत चलो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। कभी भी दूसरों को मतलब देखो, ऐसा मैंने आज ही अभी मैं वीडियो देख रही थी, मोटिवेशनल वीडियो, क्या बोला था कि क्या बोला था, ऑब्जर्व एनीवन, नहीं ऑब्जर्व एवरीवन बट फॉलो नो वन, ऐसा कुछ तो देखो आता ही नहीं है मोटिवेशन, मतलब कि मेरे को पता ही नहीं कि क्या होता है मोटिवेशन देना, मुझे आता नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है। चलो चेन रूल, अब आ जाते हैं मेथड टू, जो कि डायरेक्ट मेथड, मैं इसको डायरेक्ट मेथड बोल रही हूँ, ऐसा कुछ मेथड का नाम नहीं है, हम लोग इसको, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, डायरेक्ट मेथड। चेन रूल वाला तो चेन रूल है, तो चेन रूल ही बोलते हैं। तो देखो चेन रूल में क्या करना रहता है, मैं बताती हूँ आप। ये देखो एक क्वेश्चन है, हमको बोला है कि एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू 4x³ + 3x² - 2x द होल रेस टू सिक्स बरोबर। हमको dy by dx निकालना है, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव निकालना है, सिंपल। अब आप ऑब्जर्व करो, इसमें हम लोग नॉर्मल स्टैंडर्ड फंक्शन के जो डेरिवेटिव हमने निकाले थे, वैसे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर देखो हम लोग इतना यहाँ पे चेन रूल क्या बोलता है, चेन रूल के हिसाब से पहले पढ़ा देती हूँ। आप लोग अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये तो पता चल गया ये कंपोजिट फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ये दिखने में ऐसा लग रहा है एक्स रेस टू एन के फॉर्म में लग रहा है, बरोबर। देखो एक्स के जगह पे एक लंबा सारा एक पूरा लंबा चेन है,
तो ये दिखने में तो x रेस टू n है, इतना तो क्लियर है। हाँ तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट लेंगे। चेन रूल क्या बोलता है, चेन रूल का पहला स्टेप है कि लेट ले लो कि ये x के जगह पे इतना जो लंबा छोड़ा सब है ना, x के जगह पे जिसने x के जगह पे जो इतना सब कुछ है ना, उसको कुछ न्यू करना, उसको कुछ नया नाम ले लो, लेट अस टेक दैट एज यू, क्योंकि इसको हमको इसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है पूरा जो एक्स के जगह पर है, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे यू, क्या बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू यू। इसको हम लोग क्या लेने वाले, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यस, ये चेन रूल का पहला स्टेप है, क्या बोला है कि इसको यू ले लो, यू, ठीक है। और मैं चेन रूल का फॉर्मूला पहले ही बता देती हूँ, तो बाय चेन रूल का फॉर्मूला मैं पहले ही बताती हूँ। चेन रूल बोलता है, चेन रूल बोलता है कि डीवाई बाय डीएक्स का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू डीवाई, डीवाई से स्टार्ट होगा, डीवाई बाय डी यू होगा, इनटू जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट होगा, डी यू बाय डी एक्स होगा। ये चेन रूल है, ठीक है। मतलब हमको डीवाई बाय डी एक्स निकालना है, तो उसके लिए ये दोनों को निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। ये चेन रूल का मेन जड़ है। मुझे नहीं पता टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है कि मैंने जब इस पे भी सर्च किया यूट्यूब वगैरह पे, सॉरी यूट्यूब नहीं गूगल पे, मुझे लगता है इधर है ना मिस्टेक है, इधर यू आना चाहिए, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डीवाई बाई डी यू होगा इंटू डी यू बाई डी एक्स होगा, ये बहुत मिस्टेक है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये राइट है, तो मैं यही पढ़ाऊंगी जो राइट है वही। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, चेन रूल का पहला स्टेप है कि इसके जगह पे पूरा क्या ले लो, एक नया लेटर ले लो, तो हमने इसके जगह पे लिख दिया यू, ठीक है। तो देयरफोर अगर आप इसके जगह पे क्या ले रहे हो, यू ले रहे हो, तो देयरफोर हमारा वाई क्या बन जाएगा, therefore हमारा y बन जाएगा y is equal to u raise to 6 हो जाएगा, u raise to 6 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमने इसके जगह पे क्या ले लिया, u ले लिया, इसको assume कर लिया u, let ले लिया u, ठीक है। क्लियर हुआ पहले इतना, ओके। अभी आते हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये देखो जो हमारा ये फंक्शन था वो अभी नया बन गया है, मतलब ऐसे आ गया है, और ऐसे आ गया मतलब ये इस फॉर्म में आ गया है, बरोबर। तो अभी हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग y, हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे y को विथ रिस्पेक्ट टू u करेंगे, क्यों x क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ u, अभी y जो है वो u का फंक्शन है, x का फंक्शन नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u, ओके। तो आप लोग को क्या करना है, ऐसे लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u, तो ऐसे होगा d बाई डी यू, ओके, और d बाई डी यू, मतलब हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यू, विथ रिस्पेक्ट टू यू मतलब नीचे यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यू तो इधर वाई आएगा, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यू तो इधर आ जाएगा यू रेस टू सिक्स। तो देयरफॉर ये हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा dy by du जो होगा दैट इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो x रेस टू n के फॉर्म में है, एंड वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n क्या होता है, n x n माइनस वन होता है, बरोबर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 6, क्योंकि n 6 है, उसके बाद हो जाएगा u, कि अभी पूरा ये u में है, याद रखना x में नहीं है, फिर आएगा u और उसके बाद n माइनस वन, एन माइनस वन मतलब 6 माइनस वन दैट इज 5, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, खत्म नहीं हुआ है, चेन रूल है ना, तो चेन बनेगा पूरा, तो अभी तक हमको ये निकला है। देखो मैं फिर से एक बार समझाऊंगी, और ये बहुत धंधा है, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, तो मैं तो इसको फिर से समझाऊंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे जगह बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड मेथड को हम बाद में करेंगे, मतलब नेक्स्ट पेज में करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप फिर से सुन लो, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इसके जगह पे हम लेंगे इसको u, लेट u इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, therefore y इज इक्वल टू u रेस टू 6 बन गया। अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू करना, याद रखना। तो इसको जब हमने तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यू किया, तो ये हो गया dy बाई डी यू इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा 6u raise to 5, पता चला ना कैसे आया ये, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये पहला स्टेप है, अभी एक और स्टेप है, फिर हम लोग बोलेंगे therefore, अभी हम क्या करेंगे now, अभी ये हो जाएगा now, सेकेंड स्टेप क्या होगा, जिसको आपने u लिया था उसको भी डिफ्रेंशिएट करो। अब मतलब अभी now हमारे पास क्या है, u इज इक्वल टू 4x raise to 3 प्लस 3x² - 2 है, बरोबर। तो अभी जिसको यू लिया था उसको भी डिफ्रेंशिएट करो। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x से, क्योंकि यहाँ पे u इज द फंक्शन ऑफ x, तो हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो ये हो जाएगा d by dx डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड बाय विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा u और यहाँ पे इसको पूरा डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज 4x³ प्लस 3x² - 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा du
बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे तो अपने रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ये इसके साथ डिफरेंशिएट होगा, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, याद आया वो हमने बेसिक लेक्चर नंबर 2 में बताया था। देयरफॉर डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा 4x³, उसके बाद प्लस डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा 3x² माइनस डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो इन सबको अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा देखो 4 बार कॉन्स्टेंट, फिर x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज 3x² होगा, याद नहीं होगा, मैं अभी वो ही यूज कर रही हूँ, ये वाला याद रखो, ये इस पूरे क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये बहुत काम का है, ठीक है, क्लियर रखना। उसके बाद यहाँ पे प्लस 3 बाहर और डेरिवेटिव ऑफ x² हो जाएगा 2x, ओके, और माइनस माइनस यहाँ पे 2 बाहर एंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होगा 1। अगर आप बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, और देखने से कुछ नहीं होता है, लिखने से होता है, लिखोगे नहीं नहीं समझेगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन कर लेती हूँ खुद से भी करो, तो नहीं तो आप लोग देख के लेट के अगर वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो वाह मेरी तो पढ़ाई हो रही है क्या बात है, ये पढ़ाई नहीं बोलते इसको, टाइम पास बोलते हैं, पहले ही बता देती हूँ, जरा बुक लेके बैठो और साथ साथ में करो, 4 3 12 ठीक है, प्लस 3 2 6x माइनस 2 1 2 हो गया, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड डन। अभी हम लोग देयर फोर बाय बोलेंगे, देयर फोर बाय यूजिंग चेन रूल, अभी चेन रूल का फॉर्मूला, देयर फोर बाय यूजिंग चेन रूल, चेन की तरह बाय चेन रूल, ये बहुत अटपटा है लेकिन हाँ चेन रूल का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत होती है डी वाई से, डी वाई अपॉन डी यू इन टू चेन है ना, तो चेन कंटिन्यू होता है, तो ये डी यू पे खत्म हुआ तो इधर आएगा डी यू बाई लास्ट में होगा डी एक्स, मतलब क्या होगा ना डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो ये डी यू क्या करेगा मिलाने की कोशिश करेगा हमको, तो डी वाई बाई डी यू इन टू डी यू बाई डी एक्स, तो देयरफॉर आंसर हो जाएगा डी वाई by dx is equal to equation number 1 में देखो हमको dy by du मिला है, that is 6u raised to 5 और into equation number 2 में देखो du by dx मिला, du by dx मिला इतना बड़ा, bracket में लिख देना that is 12x square plus 6x plus 6x minus 5 नहीं minus 2, okay, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, द फाइनल आंसर शुड बी इन एक्स ओनली, यू नहीं होना चाहिए उसमें, तो ये यू को हम क्या करेंगे इधर जो यू है उसको रिप्लेस कर देंगे इससे, ये लास्ट में काम जरूर कर देना, तो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 और यू के जगह पे हम ये पूरा लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखना 4x³ प्लस 3x² प्लस 3x² माइनस 2x द होल रेस टू 5 और फिर इधर हो जाएगा 12 x² प्लस 6x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा इतना बड़ा आंसर है, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ ना, रुको बताती हूँ चेन रूल किसको पसंद आ रहा है, देखो मैं बताती हूँ, नंबर 1 स्टेप, पहले हम क्या करेंगे इसके जगह पे u ले लेंगे, तो ये बन जाएगा u रेस टू 6 के फॉर्म में, बरोबर, तो लेट अस टेक दैट दिस इज u, ये पूरा हमारा u है क्योंकि हमको इसको x रेस टू n के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हमने इसको पूरा लिया u, याद रखना 6 को नहीं लिया है u के फॉर्म में, 6 को नहीं लाया है, सिर्फ इसको लिया है हमने u, तो ये u हो गया, u रेस टू 6 हो गया, अभी ये u रेस टू 6 मतलब ये जो फंक्शन है वो u में आ गया है, अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u, तो u से और u से U से, अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू यू तो नीचे यू आएगा, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी यू, फिर यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया इक्वेशन 1, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है कि जिसको हमने यू लिया था उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर एक्स आएगा, अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया उसको, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, तो बाय यूजिंग चेन रूल इधर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये फॉर्मूला है, ये लर्न कर लो, मे बी एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू टू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये यहाँ पे है और ये यहाँ पर है लिखा वैल्यू, लास्ट में जाके यू जो है उसको रिप्लेस कर देना फिर से, तो यू की जो वैल्यू थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया, हम है ना कॉमर्स के बच्चे या जो भी बच्चे होते हैं ना 11th 12th में आने के बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट को ज्यादा भाव नहीं देते और ये गलत है, ब्रैकेट को भाव दो, हाँ ब्रैकेट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद आया, समझ में आया नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, चलो मैं अभी आपको करवाती हूँ सेकेंड मेथड, जो मेरा मेथड मतलब मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ये यू क्यू 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 नहीं लेना रहता है, डायरेक्ट मेथड है भाई, मजा आ जाता है इसको, मैं तो इससे करूंगी बिकॉज ये इजी है यार, ये इजी है, ठीक है, चलो आ जाते हैं सेकेंड मेथड से, मैं अभी अभी तक मैंने देखो प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किया है क्योंकि है ना
प्रैक्टिस सेट में तो बहुत ही थोड़े सम्स है, मैंने तो थोड़ा सा हाई फाई, मैं पहले सॉल्व एग्जांपल से आपको एक सम करवा दूंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा, तो प्रैक्टिस सेट तो आप ही कर लोगे। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा फंक्शन है, हमको निकालना है डी वाई बाय डी एक्स। और पहले आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे कि हाँ ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन तो है नहीं। स्टैंडर्ड फंक्शन होता तो ऐसे ही होता ना, सिर्फ एक्स रेस टू सिक्स होता, ये एक्स की जगह पे सिर्फ एक्स होता, एक्स की जगह पे इतनी बड़ी चेन नहीं होती, राइट। तो फिर तो हमको ये पता चल गया कि ये कंपोजिट फंक्शन है, और ये जो कंपोजिट फंक्शन है वो किसी के किसी से तो आया है ना, ये किससे आया है, एक्स रेस टू सिक्स से आया है, राइट, एक्स रेस टू सॉरी एक्स रेस टू एन, एन के फॉर्म में, राइट। ये कौन से फॉर्म में, इस फॉर्म में, बस ये याद रखो कि ये कौन से फॉर्म में है, तो ये इस फॉर्म में है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको अपने मन में, इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, तो हम लोग बस डायरेक्टली लिख देते, ज्यादा सोचेंगे नहीं, हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, ठीक है, ये देखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ब्रैकेट जरूर लगा देना, मैंने तो डायरेक्टली कर दिया है कि दिस इज डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, कर दिया। अभी क्या करेंगे, तो अभी आपको इमेजिन करना है कि ये वाला जो हमारा कंपोजिट फंक्शन है वो कौन से फॉर्म में, इस फॉर्म में, राइट, एक्स रेस टू एन के फॉर्म में है। इसको अपने मन में इमेजिन करो कि ये पूरा क्या है, एक्स है, मन में इमेजिन करो, मन में क्या करना है, कर लिया, तो मतलब ये एक्स रेस टू एन है, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो चलो हम लोग करते हैं, हम लोग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको मन में इमेजिन करो कि ये इतना लंबा छोटा कुछ नहीं है, ये एक्स है, मन में सोचो एक्स रेस टू एन है, तो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है एन, एन मतलब सिक्स और एक्स, लेकिन मन में इमेजिन करना है एक्स, बट लिखना यही है। तो ये हो गया एन एक्स, एक्स इतना बड़ा है, ये पूरा एक्स है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब सिक्स माइनस वन फाइव, डन। लेकिन खत्म नहीं हुआ है, आपने जिसको मन में एक्स माना था, अब क्या करो, अभी डेरिवेटिव निकालो, मतलब ये मन में पूरा हमने अज्यूम किया है कि ये एक्स है, तो अभी चेन होगा, चेन मतलब आगे कंटिन्यू होगा, क्योंकि आपने मन में माना ना, मन में माना है, तो अभी आगे उसको और कंटिन्यू करो, तो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ दिस, जिसको आपने मन में माना, अंदर प्यार से जिसको एक्स माना, उसका आगे जाके फिर से डेरिवेटिव निकलेगा। वैसे एक दो बार करोगे ना, इमेजिनेशन स्ट्रांग बनाओ, ओके, तो हमने क्या माना इसको अपने मन में, इसको मन में क्या माना, एक्स माना, तो ये हो गया एक्स रेस टू एन। अब एक्स रेस टू एन क्या होता है, एन, और फिर ये पूरा एक्स, और उसके बाद होगा एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब फाइव, सिक्स माइनस वन फाइव, और अभी जिसको मन में आपने एक्स माना है उसको डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, ऐसा होता है भाई, हाँ इसी को बोलते हैं डायरेक्टली करना। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये तो ऐसे ही रहेगा, ये सिक्स एंड ये हो जाएगा फोर एक्स रेस टू थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स द होल रेस टू फाइव, और अभी इसका डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव मतलब ये इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, याद है ना रूल्स ऑफ डेरिवेटिव लेक्चर नंबर टू, तो इसका डेरिवेटिव निकालो। अभी इतना टाइम नहीं है कि एक 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 को हम लोग दे गए, डायरेक्टली कर लो, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, फोर बाहर, ठीक है, ब्रैकेट लगा देती हूँ, हाँ फोर बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब होगा थ्री एक्स स्क्वायर, बरोबर, इसका हो गया प्लस, ये टू बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, टू एक्स, याद है ना यार, बोलो मत यार, भूलो मत, माइनस टू, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन, तो ये वन, ब्रैकेट क्लोज, हो गया, डन, झालं, आता काय नाही, आता झालं रे, बस ये सिंपल था, राइट, यस सर नो, और जिसको नहीं समझा, भागने का नहीं, क्यों टीचर, क्योंकि अभी तो रियलिटी आएगी ना, अभी इनको मल्टीप्लाई करो, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर एक्स, ओके, फिर लास्ट में टू वन जा टू। अब देखो तुम लोग मुझे बताओ, इसका आंसर देखो, फर्क है क्या, अच्छा फर्क है, लग रहा है इधर सिक्स है बट उधर फोर है, इधर कुछ मैंने गलती किया क्या, यहाँ पे थ्री है, हाँ तो मैंने इधर टू क्यों लिखा है भाई, क्या मैंने तो क्वेश्चन ही गलत लिखा है, वाह क्वेश्चन गलत लिखा है, पर मेरी भावनाएं पहुंची कि नहीं पहुंची वो बोलो, मतलब कि यहाँ पे क्या था ना, थ्री था, मैंने इधर टू लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में गलत कर दूंगी तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, बट कोई बात नहीं, दो मिनट का काम है, मैं उसको मिटा देती हूँ, यहाँ पर थ्री आएगा, ठीक, यहाँ पर थ्री आएगा, क्या जाता है, बाकी तो अपना आंसर तुम देख लो भाई, तुमको
देख लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी तुम पीछे का आंसर और ये आंसर चेक कर सकते हो। ये 3 है तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, फिर इधर 3 होगा, इधर 3 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 बाहर और ये 2x, तो 3 2 6, 6x। ठीक है, डन। बाकी देख लो, ये दूसरा ब्रैकेट देख लो, ये सेम है, और फिर ये वाला देखो, ये वाला 6 और ब्रैकेट के अंदर, 6 और ब्रैकेट के अंदर, इधर पावर 5 है, इधर भी पावर 5 है। मतलब डिफरेंस क्या है दोनों मेथड में, कि ये डायरेक्ट है, इमेजिनेशन करना है, इसको अपने मन में x समझना है, तो x रेस टू n के फॉर्म में है। x रेस टू n होता है n x n माइनस 1 यानी कि 5। उसके बाद जिसको मन में x समझा था उसका भी डेरिवेटिव निकालो बाजू में, ऐसा। बस मेरे को तो ये अच्छा लगा, तुमको कौन सा अच्छा लगा बताओ नीचे कमेंट करके बताओ। अभी आते मेन मुद्दे पे फटाफट, एक एक करके धड़ाधड़, ऐसा धड़ाधड़ करेंगे ना तुम लोग, बोलोगे क्या मिस एकदम फटाफट करवा रहे हो। चलो लेट स्टार्ट, अभी समझाना। पहले तो आप है ना इसका बेस देखना कि ये कंपोजिट फंक्शन है, ये तो पता है, बट ये कौन से, कहां से ये जन्म लिया है। ये एक्स रेस टू एन से इसने जन्म लिया है, राइट, ये जन्म एक्स रेस टू एन से इसने जन्म लिया है, एक्स के जगह पे कुछ और होगा, ये बस ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होता है, याद रखना, एन एक्स एन माइनस 1। तो अभी पहले तो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे, लेट अस टेक, ये वाई है, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब आप बहुत बच्चे बोलेंगे मिस ये एक्स रेस टू एन के फॉर्म में तो नहीं है। अरे यहाँ पे ना आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो ये स्क्वायर रूट है ना, ये पावर में 1/2 होता है, ये जो क्यूब रूट है ये होता है 1/3 एज अ पावर, ये फोर्थ रूट जो है वो होता है 1/4, ये ध्यान दो। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x द होल रेस टू हाफ। ठीक है, क्लियर हुआ, और याद रखना x से इधर ये पूरा अपॉन मत कर देना। अब ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग कैसे लिखा है यार, ये डिफ्रेंशिएटिंग कैसे लिखते हैं लोग, इन लोग कुछ डिफरेंशिएट प्रिफरेंशिएट लिखते कि नहीं लिखते, लिखते ही नहीं है, छोड़ो। मैं तो बोलती हूँ कि आप पूरा अच्छे से लिखो, अपने मार्क्स वर्क जाएंगे नहीं तुम्हारे। ऐसे डिफरेंशिएटिंग तुम्हारे स्कूल में क्या बोला है कैसे लिखने का, डिफरेंशिएटिंग कितना बड़ा स्पेलिंग लगता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड होगा। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। चलो क्लियर हुआ इतना। अभी मन में आपको क्या समझना है, मन में समझना है ये x है और ये x रेस टू n के फॉर्म में, राइट, x रेस टू n के फॉर्म में, राइट, इसको मन में x समझो। चलो बस मन में समझो, टेंशन मत लो। तो x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, x रेस टू n का डेरिवेटिव होता है n, n मतलब 1/2, और फिर आता है x, x मतलब जिसको मन में x समझा था, x मत लिख देना, जो है वही लिखना, रियलिटी जो है वही लिखना। तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब हाफ माइनस 1, डन। और उसके बाद तुरंत तुरंत नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जिसको मन में एक्स समझा था उसका डेरिवेटिव निकालो, उस फिर से डेरिवेटिव, क्योंकि चेन होगा यहाँ पे, चेन बनेगा। तो अभी इसको मन में एक्स माना था तो अभी इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या, एक्स प्लस 1/x। याद रखना फिर से पावर मत लिख देना, क्योंकि ये मत करना, पावर मत लिख देना फिर से। चलो डन, इतना हुआ, ये स्टेप लिखना आ गया ना तो आपने आधी जंग जीत ली है, मैं सच बोल रही हूँ, अगर ये लिखना आ गया तो आधी जंग आपने पहले ही जीत ली है। ठीक है, तो ये हो गया इतना समझा, इसको मन में x माना, x रेस टू n है, n मतलब 1/2, फिर x n माइनस 1, और जिसको मन में x माना था उसका फिर से डेरिवेटिव निकाला। अभी पूरा बस अच्छे से सॉल्व कर दो, हो गया है फिर, तो ये हो जाएगा, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, और फिर ब्रैकेट में है x प्लस 1/x, और फिर इसको सॉल्व करो, हाफ में से 1 गया, मैंने आपको बताया था, लॉजिकली दिमाग सोचो, 1 में से हाफ जाएगा, 1 में से आधा जाएगा, तो आधा बचेगा, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, यानी कि माइनस 1/2 होगा। अगर ऐसे नहीं होता है तो हाफ माइनस 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 1 1 माइनस 1 2 2, कौन में 2 1 2, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2, देख लो बस। अभी इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव रूल ऑफ डिफरेंशिएशन याद होगा, ये इसका डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा 1, ब्रैकेट लगा देना प्लीज, 1 प्लस, ये देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स With respect to x 1 होगा, and derivative of 1/x क्या होता है, चलो come on याद करो, फिर बोलना मत नहीं याद आ रहा है, derivative of 1/x पहले ही बताया है, ये ना क्या होगा ना, वरना आप लोगों को है ना प्रॉब्लम होगा, लर्न नहीं करके रखा ना आपने। ये देखो derivative of 1/x क्या होगा, that is equal to minus 1/x square,
अभी अगर मान लो ये आपको लर्न नहीं था तो आप लोग क्या करोगे फिर ये डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर कैसे डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आपको पूरा उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर मैं बोलूं डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इसको पहले तो ऊपर बुलाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा फिर एक्स रेस टू माइनस वन, और फिर आपको फिर वो लगाना पड़ेगा। अरे इतना सब करने से अच्छा है लर्न करो ना जो स्टैंडर्ड वाले दिए थे आपको। तो यानी कि ये देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन हो गया, डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट पे क्यों लिखा, क्योंकि दो दो साइन बाजू में हो गया था और ये जो ब्रैकेट ओपन है उसको क्लोज कर दिया। चलो क्लियर इतना, ओके। अभी dy by dx is equal to 1 upon 2। अभी आप लोगों को अगर पीछे का आंसर मैच करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा है उसको नीचे बुला सकते हैं, क्योंकि ये भी अंडर रूट में था तो हम कोशिश करें कि हमारा आंसर भी अंडर रूट में आए। जरा मुझे देखने दो पीछे के आंसर को, आपको मैचिंग कराना है कि नहीं, क्योंकि फिर देखना पड़ेगा। ओके, मतलब लिखने में ऐसा लग रहा है कि इजी है बस। तो अच्छा चलो बढ़िया, इन लोगों ने काम बढ़िया किया, ऐसे ही रखा है तो वो टेंशन नहीं, बस ऐसे ही रखो, टेंशन मत लो, ऐसे ही रख दो। ठीक है, ये बरोबर है, ये ऐसे ही रहेगा, इसको हाथ नहीं लगाएंगे, बस इसको सॉल्व कर दो, ब्रैकेट ओपन 1 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो डन, बस इतना ही था, दिस इज द आंसर। कैसा लगा, इजी पीजी है ना, मत समझा ना, जिसको मन में एक्स माना था उसका डेरिवेटिव निकाला। और ये ध्यान देना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, ब्रैकेट जरूर लगा देना, और डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस एन हो गया। चलो और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं अभी। चलो लेट स्टार्ट, लेट वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट है, ये थ्री बाहर नहीं है, ये इसके अंदर है। कुछ बच्चे ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा है, ये क्यूब रूट है, ये थ्री अंदर है। ठीक है, ये थ्री अंदर है। भाई माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ माइक चल रहा है, नहीं तो मैं टेंशन में आ गई थी। तो याद रखो भाई ये, हाँ, तो लेट वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसका पहले तो इसको हम लोग, मैंने बताया ना क्यूब रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्यूब रूट जो है वो बन जाएगा 1/3। क्या बन जाएगा? 1/3, पावर में 1/3 बुलाते हैं। अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब तुम लोग को पता है ये x रेस टू n के फॉर्म में है, बरोबर, तो इसको मन में x, इसको मन में क्या मानना है, पूरे को इसको मन में x मानो, ये x है, x रेस टू n, x रेस टू n का डेरिवेटिव होता है n, मतलब ये, फिर x, जिसको जो पूरा x है उसको लिखो x, और फिर होगा पावर के ऊपर होगा n माइनस वन, n माइनस वन मतलब 1/3 माइनस वन, है ना। अभी बार बार नहीं बोलूंगी, ये लर्न हो जाना चाहिए। x रेस टू n का डेरिवेटिव होता है n एक्स एन माइनस वन, तो एन का रोल कौन प्ले करेगा, 1/3, तो वही लिखा है मैंने 1/3, और एक्स पूरा, ये पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स है, एक्स एन माइनस वन, एंड दैट डॉट मींस मल्टीप्लाई है। और अब जिसको आपने मन में एक्स माना था उसका डेरिवेटिव, तो इसको मन में पूरा एक्स माना है तो इसका भी डेरिवेटिव होगा। ठीक है, चलो डन, अभी ये सॉल्व करते हैं। तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1/3 माइनस वन है, तो पहले इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे नहीं करते, 1 1 1 माइनस 3 1 3 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा -2/3, तो ये हो जाएगा -2/3, डन। अभी इसका डेरिवेटिव और ये चेन रूल, सॉरी अपने रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, व्हाट इज दिस, ए ए है ना, कांस्टेंट है, और हमेशा याद रखना, ऐसे मत लिखते ना डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर इज 2a, गलत है ये भाई, ये गलत हो जाएगा, नहीं तो तुम सोचोगे अच्छा ये x रेस टू n के फॉर्म में है 2a हो गया, नहीं, ए x के अलावा अगर आपको कोई भी दिख रहा है ना, इसके अलावा अगर कोई भी वेरिएबल दिख रहा है ना, मतलब वो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ जो भी k कांस्टेंट जीरो होता है, तो ये ब्रैकेट को ओपन करो, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना ये। चलो, तो देयरफॉर द आंसर इज dy बाय dx इज इक्वल टू 1/3, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पावर में है -2/3, एंड 0 प्लस 2x क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, 2x, डन, देख लो यही आंसर है। तो इन लोग ने क्या किया है, 2x को आगे शिफ्ट कर दिया है, तो मैं भी वो कर सकती हूँ, देखो ये मल्टीप्लाई है ना बेसिकली, तो 2x into 1 क्या हो जाएगा, 2x, तो मतलब आंसर को तो मैं आपको, मतलब पीछे का आंसर मैं आपका मिला दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो 2x into 1 क्या होगा भाई,
टू एक्स अपॉन थ्री और ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन थ्री, पीछे का आंसर मैच हो गया। चलो डन। अभी कैसा लग रहा है, थोड़ा इजी लग रहा है कि नहीं? और मैं बोलूंगी देखने से कुछ नहीं होगा, तुम लोग अगर मेरा बात नहीं मानोगे ना, देखो अगर सिर्फ देख के जाओ और एग्जाम में लिखना नहीं, लिखने आएगा आएगा ही नहीं, लिखने को तो तब आएगा जब मैं एक बार एक सम कर ले रही हूँ और आप भी कर रहे हो मेरे पीछे पीछे, तो ही होगा, नहीं तो जमता नहीं है ये, इतना इजी नहीं है, बहुत हार्ड कोर प्रैक्टिस लगता है इसके लिए। तो वाई इज इक्वल टू, देखने से सब इजी लग रहा है कि ओ माय गॉड व्हाट अ इजी दिस इज दैट दैट, बट फिर वाट लगेगी तुम लोग की। चलो हो गया ये देखो एक्स रेस टू एन के फॉर्म में है, तो पहले तो ये सब लिख दो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये तो मैं भूल ही जाती हूँ लिखना, मतलब ऐसा थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए ये तो मैं लिखती नहीं हूँ। तो मतलब हमने क्या किया, बोथ साइड देखो डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स लगा दिया, एक्चुअली में पहला स्टेप ये होना चाहिए, फिर आता है डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी ये एक्स रेस टू एन के फॉर्म में है तो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता है एन, एन मतलब नाइन, और इसको अपने मन में क्या मानोगे एक्स, इस पूरे को अपने मन में एक्स मानो, तो एन और ये एक्स एन एक्स और ये हो जाएगा हमारा एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब नाइन माइनस वन एट, ठीक है? इनटू जिसको अपने मन में माना था आपने एक्स, उसका भी डेरिवेटिव निकालो, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा फाइव एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? अब ये तो सॉल्व है, इसको तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू नाइन, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट जरूर लगा दो, ऐसा नहीं नाइन फाइव 45 लिख दो, अगर मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे हो नहीं सकता, सॉरी क्योंकि पावर है तो ऐसा हो तो नहीं सकता, अंदर नहीं जा सकते ये, ठीक है? ये हो गया, अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ब्रैकेट पहले ओपन कर दो, तो फाइव बाहर एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब मतलब ये, तो एन मीन्स थ्री एक्स स्क्वायर होगा, थ्री एक्स थ्री माइनस वन टू, ठीक है? ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी आपकी, फिर माइनस फोर बाहर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है टू एक्स, फिर माइनस एट बाहर डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है वन, ठीक है? ये वन हो गया, चलो मैं वन नहीं लिख रही इस बार और ब्रैकेट क्लोज कर देती क्योंकि एट वन जा एट ही आएगा। अब फिर से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नाइन, फिर ये हो जाएगा फाइव एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स द होल रेस टू एट, और अभी इसको सॉल्व करेंगे ये और ये, तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर टू जा एट एक्स माइनस एट, एंड ये हो गया डन, हो गया, ठीक है? चेक कर लो भाई पीछे आंसर देख लेना, ओके क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर वन में थे वो एक्स रेस टू एन के फॉर्म में थे, अब ये जो है वो लॉग वाले क्वेश्चन है, तो पहले ही मैं बता देती हूँ इनका जो बेस है वो ये है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स जो होता है वो याद रखो दैट इज वन अपॉन एक्स होता है, तो इधर आपको एक्स की जगह पे कुछ और मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? कंपोजिट है ना ये, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तरीका तो वही है, बस टेंशन मत लेना कि कुछ अलग नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे सोल्यूशन सबसे पहले हमारे पास है वाई इज इक्वल टू लॉग 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 एक्स, ठीक है? तो अभी हम लोग पहले तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और ये आ जाएगा दैट इज क्या लॉग लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, एक्चुअली में इसको बोलते हैं लॉग ब्रैकेट ओपन किया मतलब ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स, ऐसा बोलना, ठीक है? अभी ये देखोगे तो मन में मानोगे तो ये एक्स के जगह पे ये है, तो इसको मन में मानो ये एक्स है, इसको मन में क्या मानोगे, इसको मन में मानो कि ये हमारा एक्स है, ठीक है? मन में मन मन वाला को ये हम मन से करेंगे, तो therefore dy by dx is equal to, तो इसको आपने x माना है मन में, तो log x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन x, यानी कि वन अपॉन x, लेकिन x को क्या माना है मन में ये ना, तो लिखते टाइम तो यही लिखने का मन में मानो जरूर, तो यानी कि ये log x है, ये मन में x है, तो log x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन x मतलब ये, ठीक है? और जिसको हमने मन में x माना था उसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ log x, क्योंकि इसको ही मन में x माना था, तो इसको फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे। चलो डन, अभी आ जाते हैं, तो d by dx is equal to, ये तो ऑलरेडी हो चुका है वन अपॉन log x, और अब डेरिवेटिव ऑफ log x फिर से क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ log x होता है वन अपॉन x, तो ये हो गया वन अपॉन x, डन हो गया। थोड़ा समझना डाइजेस्ट करना थोड़ा सा, देखो ध्यान से सुनो log x है,
तो लॉग एक्स के फॉर्म में है ये, मैंने बोला था ना एक्स की जगह पे कुछ और ही होगा, इधर और होगा मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन टाइप कुछ है, तो यहाँ पे ये एक्स है ठीक है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, और जिसको मन में एक्स माना था उसको उसका डेरिवेटिव निकालो, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स तो वो होता है वन अपॉन एक्स। और अगर आप लोग पीछे देखोगे तो पीछे ऐसे आंसर होगा, देयरफॉर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है ना तो वन वन सा वन होता है, अपॉन में लॉग एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग एक्स ठीक है। ऐसे मत लिख देना लॉग एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स स्क्वायर, नहीं पहले एक्स लिखा और फिर लॉग एक्स लिखा, या ऐसे लिख दो लॉग एक्स इंटू एक्स, बट ये एक्स आगे रहेगा तो सेफ्टी रहेगा ठीक है। तो यही है देख लो पीछे आंसर, वन अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है इन। चलो अभी और ट्राई करते हैं इसको करते, तो अब यहाँ पे सोल्यूशन है, तो वाई इज इक्वल टू लॉग, अंदर देखो ये पूरा टेन एक्स रेज टू फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू ठीक है। तो अभी यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये पूरा लिखेंगे लॉग टेन एक्स रेज टू फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, चलो रेडी। अभी आपको क्या करना है, यस yes, मन में मानना है, तो मन में मानोगे तो डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये पूरा अपने मन में मानो इसको x है ये, तो log x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन x, यानी कि वन अपॉन x, x मतलब ये पूरा, यानी कि पूरा लिख दो नीचे, तो टेन एक्स रेज टू फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू ठीक है। आई नो बहुत बड़ा लग रहा है बट लिख दो, तो ये log x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन x, और इनटू जिसको आपने मन में x माना था उसका भी डेरिवेटिव निकालो, तो d by dx ये पूरा फिर से इसका डेरिवेटिव होगा, दैट इज 10x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 ठीक है। तो चलो फिर निकालते हैं इसका, ये बहुत इजी है, आप लोगों को पीछे वाला वो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, 1 अपॉन ये तो रह गई, दैट इज 10x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 एंड इन टू इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये तो आपको पीछे वाला पता है ना, पीछे वाला जैसे किया ये फॉर्मूला यूज होगा इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा बरोबर, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 5 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर होगा ठीक है, फिर माइनस 3 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होगा 2x हो जाएगा, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ टू, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो एंड ब्रैकेट क्लोज ठीक है। बस हो गया, अभी फाइनल आंसर हो रहा है, जगह ही नहीं है एक मिनट। हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ये लिखेंगे 10 एक्स रेज टू 4 प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ठीक है। और अभी ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे लिखेंगे इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 फोजा 40 एक्स क्यूब प्लस 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 एक्स प्लस 0 को क्या ही लिखना, हो गया तो यही आंसर। और अगर आप चाहो तो दिस इनटू दिस ये ऊपर भी लिख सकते हो, अगर आपके बुक में ऐसा लिखा है तो ऐसे लिख दो, देखो ये पूरा इसके ऊपर लिख दो, ऊपर नीचे लिख दो क्या जाता है, क्योंकि ये इंटू है इनके बीच में, क्या है इंटू है तो दिस इंटू दिस यानी कि वन इंटू दिस विल बी दिस ओनली, तो ये ऊपर लिख दो इधर और ये नीचे रह जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, देखो कैसा लग रहा है, इजी है कि नहीं मुझे कमेंट में बताओ जरा। चलो अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले दिया है वाई इज इक्वल टू लॉग लॉग ब्रैकेट ओपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओके, तो ये ऑब्वियसली पहले तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई by dx is equal to d by dx, और ये हो जाएगा log bracket के अंदर a x square plus bx plus c bracket close, तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to, अब मुझे बताओ क्या करेंगे, तो ये log x के फॉर्म में, log x ये पूरा अपने मन में x समझो इसको, तो log x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन x, x मतलब ये,
ए रेस टू एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, और जिसको मन में x माना था उसका डेरिवेटिव निकालो। तो इसको मन में x माना था, याद रखना, लॉग मत लिख देना अभी। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस, दिस मतलब ये, ए रेस टू एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अभी ये हो जाएगा dy by dx is equal to 1 upon a raise to x plus bx plus c and bracket open। अभी इधर इसका निकालते, a constant है, a b c ये सब constant है, ठीक है। तो a constant है तो a बाहर, ठीक है, और derivative of x square क्या हो जाएगा 2x plus b बाहर, b बाहर, derivative of x with respect to x हो जाएगा 1, और प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि खाली अकेला कांस्टेंट है ना, अकेला कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो होगा, क्योंकि इधर भी कांस्टेंट थे लेकिन ये एक्स के साथ थे इसलिए ये जीरो नहीं हुए, बट ये जीरो हो गया, ठीक है, ऐसा होता है। क्लोज। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये देखो स्टैंडर्ड अपना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया इधर, है ना, याद आ रहा है 10th स्टैंडर्ड का। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2ax प्लस ये हो गया b, एंड प्लस जीरो तो नहीं लिखा, चलेगा, बस हो गया। तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 1 इनटू दिस विल बी दिस ओनली, तो 2ax प्लस b, और नीचे लिख दोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, हो गया, इजी पीजी है बहुत। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 फाइनली करेंगे एंड वी आर डन। ओके, सेम ही है, बस याद रखना इधर होगा अपना जो ये कंपोजिट फंक्शन है ना, उसका जो जड़ है, जड़ मतलब जो रूट है, वो ये है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, याद रखना ई रेस टू एक्स ही होता है, और डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। ऑलवेज रिमेम्बर ए कोई नंबर होगा ग्रेटर देन वन, ठीक है, ई भी एक नंबर ही है, बट ई है तो टेंशन नहीं। जैसे ये देखो, पहले हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे होगा y is equal to e raised to 5x square minus 2x plus 4, right? तो अभी हम लोग पहले लिखेंगे differentiating with respect to x, तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to d by dx, और ये पूरा आ जाएगा, that is e raised to 5x square minus 2x plus 4, ठीक है, चलो। तो अब बताओ, तो हमने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, अब बस वही प्रोसेस है जो हम लोग करते आ रहे हैं, क्या उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ई रेस टू एक्स के फॉर्म में है, अब हम लोग इसको मन में क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे, ओके। तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, तो मतलब यही होता है, ठीक है, ई रेस टू एक्स ही होता है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, इनटू जिसको मन में x माना है उसका डेरिवेटिव निकालो, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी कि क्या 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ओके। तो डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स होता है, और जिसको मन में x माना था उसका डेरिवेटिव निकालना है, बस। तो चलो यहाँ पे निकालो, dy by dx is equal to e रेस टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, एंड ब्रैकेट ओपन, डेरिवेटिव ऑफ दिस दिस एंड दिस, तो 5 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, माइनस 2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 कांस्टेंट होता है 0, डन, हो गया। तो मतलब फाइनल आंसर मैं लिख दूं, तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, हमारे पास है e रेस टू 5x स्क्वायर, आगे है माइनस 2x प्लस 4, ब्रैकेट ओपन, ये 5 टू जा 10, तो यानी कि 10x, 10x प्लस 2, है ना, सॉरी माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 2, हो गया, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर है, इधर लिखू भाई, इधर ही लिख देती हूँ, ठीक है, थोड़ा जगह चाहिए, ये अपना आंसर है, देख लेते हैं पीछे, ये देखो इन लोग ने 10x माइनस 2 आगे खिसका दिया, मेरा भी वही था कि मैं इसको आगे ले लूं, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे कि dy, हाँ dy by dx is equal to, क्योंकि इनके बीच में इनटू है, राइट, ये दोनों अलग अलग इनटू है, तो इसको पहले लिख दो, दैट इज 10x माइनस 2, ऐसे ही रहेगा, और ये e रेस टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है, डन, हो गया। चलो आ जाओ इधर, हो गया, अभी ऑलमोस्ट अभी 2 सम बचे, पूरा वीडियो देख के ही जाओ यार, इतना क्या अभी, है ना, और खुद से कर सकते हो तो बेस्ट है,
चलो सोल्यूशन तुम लोग मेरे साथ साथ करो, देखते हैं कि कौन पहले करता है। वाई इज इक्वल टू ए रेस टू ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये इस फॉर्म में ए रेस टू एक्स मतलब ये है, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये लिख देंगे दैट इज ए रेस टू 1 प्लस लॉग एक्स। अभी dy by dx, और ये हो जाएगा a रेस टू x के फॉर्म में, तो इसको अपने मन में x मानोगे, तो a रेस टू x का जो डेरिवेटिव होता है वो a रेस टू x ही होता है, a रेस टू x होता है इंटू लॉग ए बी होता है, इंटू लॉग ए बी होगा तो ये भी आएगा, ओके। ये पूरा इसका डेरिवेटिव है, a रेस टू x होता है a रेस टू x इंटू लॉग ए, एंड इंटू अभी क्या होगा, इंटू मैंने कभी लगाया नहीं बट वही इधर इंटू इंटू मतलब डॉट डॉट, अभी जिसको मन में x माना था उसका भी डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा, दैट इज ब्रैकेट के अंदर लिख देती हूँ 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो चलो ये हो जाएगा dy by dx is equal to a raise to 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स सॉरी लॉग ए इंटू इसका डेरिवेटिव, इससे भी और इसका भी निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वन कॉन्स्टेंट क्या होता है जीरो, प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, तो पीछे देखो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स, तो वो निकालेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स, डन हो गया। तो देयरफॉर डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ऊपर है अपने पास ए रेस टू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ए, एंड 0 प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स ही होता है, मतलब बेसिकली ये ऊपर सब है, ऊपर वन मतलब इसको 1 अपॉन एक्स को इतना अलग लिखने से अच्छा है, क्योंकि सबके बीच में तो इंटू ही है, तो इसका मतलब 1 इंटू दिस, मतलब सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर यही आएगा और नीचे नीचे एक्स आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन एक्स को इतना अलग लिखने से अच्छा है कि इनको इनके साथ ही लिख देते हैं, इसका मतलब अपॉन में एक्स लिख देते हैं बस, तो वही हुआ ना 1 अपॉन एक्स था, एंड ऊपर न्यूमरेटर में 1 से अगर मल्टीप्लाई कर भी देते तो यही आता, ठीक है, और x नीचे लग गया ऐसा, तो पीछे देखोगे तो ऐसा ही कुछ आंसर दिखेगा और आपको लगेगा अरे मेरा तो रॉन्ग है, ऐसा फीलिंग आता है, नहीं नहीं कुछ फीलिंग नहीं आएगा, अपना राइट ही था, तब पहले वाले स्टेप पहले जैसा ही लिख देना चाहिए, तो टेंशन नहीं, चलो पहले वाला जैसे ये हो गया 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है डन क्लियर है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, वीडियो को लाइक कर दो यार मजा आ जाएगा। चलो तो अभी ये कौन पहले करता है, चलो 1 2 3 रेसिंग लगाई गया, चलो y इज इक्वल टू 5 raise to x plus log x, तो ये हो जाएगा, चीटिंग मत करना ये सब लिखना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to d by dx ब्रैकेट के अंदर सॉरी फिर log 5 x plus log x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy by dx is equal to ये a raise to x के फॉर्म में है, मतलब इसको मन में x मानना पड़ेगा, तो यानी कि a raise to x का डेरिवेटिव होता है a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, लॉग ए नहीं होगा लॉग फाइव होगा क्योंकि फाइव है इधर ए के जगह पे, इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको मन में हमने एक्स माना था उसका डेरिवेटिव दैट इज एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइव ब्रैकेट के अंदर सॉरी 5 raise to x plus log x इंटू लॉग फाइव ऐसे ही रहेगा इंटू अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, 1 का बहुत महत्व होता है, ठीक है, 0 होता है तो बात अलग है, 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स, हो गया। तो ये रहा अपना आंसर, दैट्स इट। देख लो विश्वास नहीं होता है तो ये 1 2 3 3 लोग है इधर 1 2 3 हो गया एंड वी आर डन। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझा होगा, तो जल्दी से बोलो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन समझा कि नहीं समझा, चेन रूल से भी कर सकते हो यू वगैरह मान के, बट आपको तो पता ही है कि वो बहुत लेंदी एंड हो जाता है, इसलिए हमने डायरेक्ट इमेजिनेशन वाला मेथड किया, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।